press the bell icon on YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्ट्रिक उर्दू हिंदी। मेरा नाम इरफान है और मैं आज की आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन कोई आपके परमिशन के बगैर कोई यूज़ भी नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी। जिस तरह हम किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट या कोई भी आइटम यूज़ करते हैं तो वो हमें अगर अच्छी नहीं लगती तो उसके हम रिव्यूज़ दे सकते हैं, उसके फीडबैक दे सकते हैं। तो इसी तरह हम इस एप्लीकेशन के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप, फीचर भी कह सकते हैं और मोबाइल सेटिंग भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए इतना अहम होता है लेकिन हम लोग इस पर इतना गौर नहीं करते। 10% लोगों को पता होता है और 90% लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे फ़ोन में ये चीज़ क्यों होती है। तो आए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आज की हमारी वीडियो क्या है। हमारे फ़ोन में हमने कई बार लोगों से भी सुना होगा IMEI नंबर जो होता है फ़ोन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये यूज़ किस लिए होता है, किस लिए नहीं होता। तो आए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है, किस लिए नहीं होता। तो आपने सबसे पहले तो अपने IMEI नंबर को कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपने सबसे पहले ये कोड ओपन करना है। आपने इस में जाना है, जब आपने इसको ओपन कर लिया है तो आपने देखना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है *#06#। ये आपने जब अपने एंटर करना है और उसको ओके करना है तो आपको ये सामने EMI नंबर आ जाएगा। इस नंबर को आपने अपने पास कहीं भी आप इसको लिख लें, सेव कर लें, याद कर लें, ताकि कल को अगर आपका फ़ोन अल्लाह ना करे चोरी हो जाए तो आप इस अपनी फ़ोन की कंपनी को मैसेज करके या मेल करके बता दें कि मेरा फ़ोन गुम हो गया और वो आपका फ़ोन ब्लॉक कर दें ताकि आपका जो डाटा होता है वो कोई और अपने यूज़ में ना ला सके। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप भी आज के बाद इसी तरह करेंगे और अपने फ़ोन का ख्याल रखेंगे। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट में रहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।